नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक बार नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। तो ये जो केंद्रक है, इसकी जो खोज थी, इसकी यदि हम बात करें खोजकर्ता, तो इसका जो खोजकर्ता था वो था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी जो खोज की थी 1831 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्राउनी गति के बारे में बताया था। ब्राउनी गति, जो कोलाइडी कणों की जो जिगजैग गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उसको हम कहते हैं ब्राउनी गति। और इस ब्राउनी गति को भी सबसे पहले जो समझाया था वो किसने समझाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, केंद्रक की भी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो की थी 1831 में। अब यदि हम बात करें कि जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो है ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, दूसरी यदि हम इम्पोर्टेंट बात करें इसकी, तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोशिकाएं होती हैं वो दोस्तों कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि हमने स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे उनमें हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब यदि हम बात करें जो केंद्रक है, केंद्रक यह कोशिका की सभी क्रियाओं को, जितनी भी क्रियाएं होती सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक जो होता है वो सभी क्रियाओं को, कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रक, क्या कहते हैं इसको? कोशिका का नियंत्रक, इसी को बोलते हैं हम कोशिका का प्रबंधक, इसी को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का CPU, कोशिका क्या कहते हैं इसको? CPU कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि ये जो केंद्रक है, ठीक है, ये जो केंद्रक है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, तो इसकी संरचना को बनाएं हम तो दोस्तों केंद्रक की जो संरचना है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है इस प्रकार की। ठीक है, इसमें यदि हम देखें तो इस प्रकार की ये संरचना मिलेगी, इसमें ये छेद मिलेंगे केंद्रक में, तो यानी केंद्रक की ये स्पोर या न्यूक्लियर स्पोर कहते हैं छिद्रों को। तो इस प्रकार की इसकी बाह्य झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, दाने दाने से जो होते हैं उनको हम कहते हैं राइबोसोम। और इसके अंदर, केंद्रक के अंदर एक ठोस गोल संरचना होती है, इस ठोस गोल संरचना को हम बोलते हैं केंद्रिका। और इस केंद्रिका की जो खोज थी वो की थी फोंटना ने। तो फोंटना एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसकी खोज की थी केंद्रिका की। और केंद्रिका को हम कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है केंद्रिका को। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ भरा रहेगा उस पदार्थ को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य।
और इस केंद्रक द्रव्य में एक धागेनुमा जो संरचना होती है ये होती है डीएनए। क्या होता है दोस्तों? डीएनए। और केंद्रक द्रव्य के अंदर पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला दें तो बनता है क्रोमेटिन, ठीक है दोस्तों। और क्रोमेटिन जो है वो जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन इसका जितना भी तरल पदार्थ है उसको अवशोषित करके बनाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हम कहते हैं गुणसूत्र। तो यदि हम बात करें कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एक सामान्य कोशिका में, मनुष्य की एक सामान्य कोशिका में, कोशिका में गुणसूत्रों की यदि हम संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46, और ये जोड़ी में होते हैं तो 23 जोड़ी। तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की सामान्य कोशिका के अंदर। अब यदि हम बात करें कि यदि नर में, सिर्फ नर में बात करें तो ये होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, और मादा में यदि बात करें तो मादा में ये होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो 44 प्लस एक्स एक्स मादा में होते हैं गुणसूत्र, और नर में कितने होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई। अब यदि हमसे कोई पूछ ले कि गुणसूत्र के प्रकार बताइए, तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले वाले को बोलते हैं हम अलैंगिक, अलैंगिक गुणसूत्र। इन्हीं को बोलते हैं हम कायिक गुणसूत्र, कायिक। इन्हीं को बोलते हैं अप्रजननकारी, अप्रजननकारी गुणसूत्र। और इन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम। तो बहुत बार वो पूछता है हमसे कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोसोम जो होते हैं वो 44 होते हैं। दूसरे होते हैं लैंगिक गुणसूत्र, और लैंगिक गुणसूत्रों को हम बोलते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम। और सेक्सुअल क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो होते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक। तो मनुष्य में यदि हम बात करें तो टोटल 46, उनमें से नर में 44 तो ऑटोसोम और दो एक्स वाई सेक्सुअल क्रोमोसोम। इसी प्रकार से मादा में 44 कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम और दो एक्स एक्स जो हैं वो सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं।